फ्रेंड्स, जैसे हम वायरलेस में बात करते हैं कि एपी बहुत अच्छे सिग्नल फेंक रहे हैं या बहुत अच्छे सिग्नल, दूर तक सिग्नल इसके रिसीव हो रहे हैं, अच्छे सिग्नल स्ट्रेंथ आ रही है, लेकिन ये वायरलेस की जो सिग्नल स्ट्रेंथ आती है या एपी से हमें जो सिग्नल स्ट्रेंथ मिलती है, ये सिग्नल स्ट्रेंथ हमें किस वजह से मिलती है? क्या एपी में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है या उसमें कोई ऐसा हार्डवेयर है जिसकी वजह से सिग्नल हमें उतने अच्छे स्ट्रेंथ और दूर तक हमें रिसीव होते हैं? तो एपी के अंदर कुछ एंटीनाज होते हैं, इंडोर के अंदर अलग होते हैं, आउटडोर के अंदर अलग होते हैं, जिसकी वजह से हम अच्छी रेंज तक, एक अच्छी डिस्टेंस तक अच्छे वाईफाई सिग्नल रिसीव कर पाते हैं, कनेक्ट हो पाते हैं और वाईफाई की सर्विसेज को एक्सेस कर पाते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि वो कौन कौन से एंटीना टाइप होते हैं जो एपीज के अंदर आते हैं। यहाँ पर हम सिस्को के एंटीनाज की बात कर लेंगे या एक जनरल बात करेंगे, तो जो अरूबा, सिस्को सभी में यूज होते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केब्रोसिस टेक्नोलॉजी, लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड, जैसे आप यहां देख सकते हैं, मैं लिखा है वाईफाई एंटीना टाइप्स, तो हम चलते हैं अपनी स्लाइड पे। इस स्लाइड में आप यहां पर कुछ एंटीना टाइप देख रहे होंगे, कुछ मैंने फिगर पिक्चर्स लगाई हैं। तो हम इसमें सबसे पहले एक थ्योरी की बात अगर करूं, तो सबसे पहले मेरी जो थ्योरी आती है वो ये बोलती है कि देयर इज टू मेन फैमिलीज ऑफ द एंटीनास आर ओमनी डायरेक्शनल एंड डायरेक्शनल। ठीक है, एक हो गई मेरी ओमनी डायरेक्शनल और दूसरी आती है मेरी डायरेक्शनल। ओमनी डायरेक्शनल एंटीना सेंड ए सिग्नल ऑफ द सेम स्ट्रेंथ इन ऑल डायरेक्शन, ऑल्दो एन एंटीना कैन नेवर बी कम्प्लीटली ओमनी डायरेक्शन, डायरेक्शनल एंटीना कॉन्सेंट्रेट इन बिगन इन वन और मोर डायरेक्शन। ठीक है, सिंपल है, बहुत ईजी है समझने में, जो कि क्लियर बोल रहा है कि जो ओमनी डायरेक्शनल है वो हमारा 360 डिग्री सिग्नल फेंकता है और डायरेक्शन जो है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही सिग्नल हमें भेजता है। अब जैसे इसमें बोला है कि ऑल्दो एन एंटीना कैन नेवर बी कम्प्लीटली ओमनी डायरेक्शन, इसका मतलब क्या हुआ? कम्प्लीटली नेवर बी कम्प्लीटली ओमनी डायरेक्शन, इसका मतलब क्या होता है कि जैसे हमने एक एक्सेस पॉइंट को, यहाँ पर ये एक्सेस पॉइंट है और ये मेरा फ्लोर है, ये मेरा सीलिंग फ्लोर है या कुछ भी है। अब जैसे ही मैंने यहाँ पर एपी लगाया, तो एपी अगर मैं 360 डिग्री, मतलब होता है कि चारों तरफ, लेकिन जहाँ पर मैंने एपी लगाया तो ऊपर मेरे सीलिंग आ गई, तो ऊपर तो सिग्नल मेरे ड्रॉप हो गए, तो इसका मतलब उसने 360 डिग्री में तो सिग्नल नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर पाया ना वो, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट है कि 360 डिग्री कभी नहीं भेजता है। ऑल्दो हम बोलते हैं कि 360 डिग्री हमें एंटीना में ओमनी डायरेक्शनल में सिग्नल मिलते हैं। ओमनी डायरेक्शनल जो एंटीनाज होते हैं वो हमें कहाँ कहाँ यूज होते हैं, ये बेसिकली हमें आपको देखने को मिल जाएगा इंडोर एपीज में। जो मेरे इंडोर एक्सेस पॉइंट्स होते हैं उनके अंदर मेरे ओमनी डायरेक्शनल एंटीनाज होते हैं, जो जनरली देखने में इस तरह के होते हैं। इसमें आपने देखा हो, जो इंडोर एपी लगे होते हैं अपने कॉर्पोरेट ऑफिसेज में या इंस्टीट्यूट में, कहीं भी आप जाएंगे तो उनमें आपको सिर्फ एपी नजर आता है, उसमें कहीं भी एंटीनाज नजर नहीं आते। लेकिन पहले जो ऑटोनोमस एपी आते थे, जो ऑटोनोमस एपी आते थे, उनमें इस तरह से एंटीना लगे होते थे। आप जो घरों में भी देखेंगे, घरों में जो वायरलेस राउटर्स लगे होते हैं उसके अंदर भी, उसके साथ भी एंटीना आते हैं। ठीक है, कई बार हमें ऐसी रिक्वायरमेंट होती है जो जहाँ पर मतलब हमें लगता है कि सिग्नल लॉस का या ओवरलैपिंग का इशू रहेगा, डिस्टर्बेंस ज़्यादा रहेगी, उस केस में हम ऑर्डर कर सकते हैं राउटर एपी विद एंटीनाज, तो हमें उसी हिसाब से हार्डवेयर मिलता है। तो हम उसमें हम दो एंटीना के साथ भी बोल सकते हैं और चार एंटीना के साथ भी हार्डवेयर ऑर्डर कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड डायरेक्शनल एंटीना, एक्सेस पॉइंट विद डायरेक्शनल एंटीनाज। ठीक है, तो जब हम ये इंडोर एक्सेस पॉइंट लगाते हैं तो ये इसमें कोई एंटीना इनबिल्ट होता है एक तरह से, और वो चारों तरफ सिग्नल ऐसे फेंकता है। जैसे ये तो चलो मेरे एंटीना वाले, बट जो बिना एंटीना वाले होते हैं, जो विदाउट एंटीना होते हैं, उसमें अंदर इंडोर इनबिल्ट ही एंटीना होते हैं। तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि ये 360 डिग्री का एंटीना है, जहाँ पर मेरा यहाँ पर लगा लो एक एक्सेस पॉइंट है और ये चारों तरफ सिग्नल आपको फेंकेगा 2.4 गीगाहर्ट्ज़ में, और 5 गीगाहर्ट्ज़ में भी है ये पुराना आप वो बोल सकते हो, बट अभी 5 गीगाहर्ट्ज़ में भी सेम स्टोरी होती है। अब जो मेरी डायरेक्शनल एंटीना है, डायरेक्शनल एंटीना की अगर मैं बात करता हूँ, तो डायरेक्शनल एंटीना जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, डायरेक्शनल या गई 60-78 डिग्री ऑफ द 2.4। ठीक है, डायरेक्शनल एंटीनाज में क्या होता है कि जब भी आप कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में सिग्नल को डिस्ट्रीब्यूट करवाना चाहते हो,
या सिग्नल में आपको डायरेक्शनल सिग्नल, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपको सिग्नल चाहिए, उस केस में आप डायरेक्शनल एंटीना ऑर्डर कर सकते हैं। जनरली हम जो करते हैं वो आउटडोर एक्सेस पॉइंट में हमारे पास होते हैं, अपने आउटडोर एक्सेस पॉइंट देखे होंगे, वहाँ पर इस तरह से एंटीना आपको माउंट होते नजर आ जाएंगे जहाँ भी आउटडोर एक्सेस पॉइंट होता है। और कुछ आप अलग से भी एंटीना ले सकते हो, जैसे आपने यहाँ पर एंटीना आपने कनेक्ट करके आप एंटीना इस तरह से कहीं भी माउंट भी कर सकते हो, तो इस तरह से भी एंटीना आते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपको एपी के साथ ही फिक्स होके आए, आप एक मतलब वायर के साथ भी फ्लेक्सिबल एंटीना टाइप भी आप कहीं पे जाके माउंट कर सकते हैं कि एपी कहीं पे और एंटीना कहीं पे और जाके आप माउंट कर सकते हो, दैट इज फॉर डायरेक्शनल। तो डायरेक्शनल एंटीना मतलब क्या होता है कि जहां भी आपका एपी है, जिस डायरेक्शन में आप उस सिग्नल को आप डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हो, उस डायरेक्शन में आप एंटीना को लगा सकते हो और आपको सिग्नल उसी हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होंगे। जैसे आपने एक्सेस पॉइंट लगाया, जनरली हम जो आउटडोर एक्सेस पॉइंट लगाते हैं तो बहुत हाइट पे लगाते हैं, जैसे मेरा ये बिजली का पोल है यहाँ पर मैंने एक्सेस पॉइंट लगाया, तो इसके जो एंटीना में इस तरह से माउंट करता हूँ ताकि जो मेरे सिग्नल है वो मुझे इस तरह से यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। ऐसा नहीं अगर मैं ऊपर लगा दूंगा तो कोई फायदा नहीं उसका, तो एंटीना में इस तरह से, क्योंकि डायरेक्शन एंटीना है, कई बार हम एंटीना को ऐसे भी लगाते हैं ताकि मुझे यहाँ तक, मुझे दूर तक फेंकना, मुझे मुझे ग्राउंड पे नहीं चाहिए, मुझे मतलब वर्टिकल स्टेप से मुझे मुझे चाहिए सिग्नल। तो ये डिपेंड करता है कि मेरी डिजाइनिंग कैसी है, मेरी साइड सर्वे कैसा है, मेरी रिक्वायरमेंट कैसी है, उस हिसाब से आप एंटीनाज की प्लेसमेंट, एपी की प्लेसमेंट, ऑर्डरिंग और ये सब आप प्रॉपरली साइजिंग कर सकते हैं, डिजाइनिंग कर सकते हैं। अगर आपको वायरलेस में कोई और डीपली आपको ट्रेनिंग चाहिए, यू कैन कॉल अस, रीच आउट टू अस फॉर फर्दर वायरलेस ट्रेनिंग्स। हम आपको वायरलेस में हमारे बैचेज चलते रहते हैं। यू कैन चेक आउट फॉर आवर वेबसाइट और यू कैन कॉल अस चेक करने के लिए कि अभी कौन सा बैच, नया बैच कब शुरू होने वाला है, यू कैन रीच आउट टू अस। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इसमें जो एंटीना की इन्फॉर्मेशन आपको दी है आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाएं। और सो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक ऐसी एक और वीडियो के साथ, तब तक पढ़ते रहें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहें। थैंक यू।